हम जिस उम्मीद से आए हैं कि हम अपनी इंडिया की पोजीशन को इस एशियन गेम्स में बेस्ट करें, उसके लिए ही बस जी जान लगा दें खिलाड़ी, और हम सब उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। When you get up, when go street, you can see Wesley. सूरत लग रही है ना, इतना हैपनिंग है, इतने लोग हैं यहाँ पर, बड़ी सी डिस्प्ले स्क्रीन है। Are you here to attend the 19th Asian Games? Yes, I came here for 19th Asian Games. ये जो स्ट्रक्चर है ना सामने, जिसमें कैफेटेरिया है, वो 1649 का है। So happy I met you, गले लग जाए। Oh my goodness. Well, दोस्तों, आज का दिन फिर एक बार हम हैं हंगजाओ में, और हंगजाओ का ये दिन काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, जस्ट लाइक कल रात का था। मैं हूँ उस सिटी में जो जेजांग प्रोविंस में आती है, ईस्टर्न कोस्टल रीजन में चाइना के, और हम अभी है वेस्ट लेक की तरफ। आज थोड़ा टाइम हमारा चला गया क्योंकि टिकटिंग करनी थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। और देखिए, हम एक बहुत ही हैपनिंग प्लेस पर हैं, और इस हैपनिंग प्लेस से मैं आपको हाय कहती हूँ। दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, एंड वेलकम टू माय वन मोर व्लॉग इन हंगजाओ। ओके गाइस, तो जो प्रॉब्लम अभी है उसे फिक्स करना है। ये हमारा टूट चुका है, आप देख रहे हो, और इस वजह से ये दोनों अलग हो जा रहे हैं। तो अभी हमने इनसे पूछा है, हमने क्विक फिक्स लिया था लेकिन वो दूसरे बैग में रह गया इंडिया में। अभी ये वाला है सुपर ग्लू, उसका है 3 युआन। फिक्स तो हो चुका है, ये हमें हेल्प कर रही है वेस्ट लेक जाने के लिए। अभी बस से हमें नहीं जाने आता है क्योंकि कहीं गड़बड़ा ना जाए, तो बोले मुझे ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको लेकर के जाती हूँ, आपको बिठा दूंगी उस बस में जहाँ आपको जाना है। This way. Yeah. Underground. Yeah, fine. She has done English class. Okay. For six years. All right. She has done English class. उन्होंने अंग्रेजी सीखी है। अच्छा, crush है। Okay. English crush है उनको 6 साल के बाद। I go to many countries. All right. Which country you have traveled so far? America, French, German, Russian, coronavirus. You guess. Your age. Oh my God, ये 70 साल की हैं, 70 years old. Oh, you look so young. वो बोल रही है मैं खुश हूँ कि मैं आपसे मिली, और Hangzhou is really, and Hefong Street is really beautiful. इतने प्यार से बोल रही हैं ये कि आप Hangzhou में रहेंगे, आपका दिन बहुत अच्छा ही जाएगा। वो मुझ हमें बस तक पहुँचा रही हैं कि आप ट्रस्ट कीजिए मुझ पे, मैं आपको गलत नहीं बताऊँगी। You welcome to India. I will take you to places in India. At the gate of West Lake. This station, this bus station, then go street. Yeah, okay. Remember you? To get down. I had a good time. Oh, even we had a good time. I loved it. My home, come dinner. हमारा बस का भी सफर हो जाएगा।你跟他们说一下，他们到西湖边，在可能在市医或者省中院都可以下车的，你帮忙提醒一下，省中院可以下车了。可以。WeChat。Yeah, yeah, yeah. WeChat， 等一下他扫，他加我微信啊。谢谢啊。Thank you so much. Bye. I hope Bye. Next to see you. Sure. Bye. 提醒一下啊，提醒一下。Bye bye. 阿胖，我拜拜。Bye bye. Bye bye.
ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है. हमें ऐसे लगा कि लोकल को ट्रस्ट करके देखते हैं क्या होता है. हम लोग बस में चढ़े तो उन्होंने हमसे टिकट भी नहीं ली. बस ड्राइवर ने बोला ऐसे ही चढ़ जाओ. और अब ऑल दो मतलब चल के हमारा कम टाइम हो रहा था. अभी मैं देख रही हूँ थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा. आई डोंट नो यहाँ पे कुछ रोड का सिस्टम एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कभी कभी. लेकिन ये ज़रूर है कि इंसानियत है लोगों में और आपको बहुत दिल से चाहते हैं कि वो आपको हेल्प करें. मैंने देखा जो लेडी थी, मतलब हमने नाम भी पता नहीं कर पाया उनका, लेकिन मैंने बीच एड पे उन्हें ऐड कर दिया है. अच्छा एक्सपीरियंस हो गया. चलो बस में हम चाहते थे कि हम ट्रैवल करें तो, लेकिन लोकल की हेल्प से ही हो सकता था. एट लास्ट हो गया. चलो हमारा हमजा घूम के भी हो जा रहा है. ओके तो हम पहुंच गए हैं बस स्टॉप पर. वांशा रोड के बस स्टॉप पर हम पहुंच गए हैं. यहाँ से वॉकिंग है जो यहाँ पे दिखा रहा है. मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस भी अच्छा था डॉन. बहुत बहुत बढ़िया है ना. लेकिन हाँ, गूगल मैप गड़बड़ कर सकता है इसलिए पूरी तरीके से उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं. तो डबल चेक कर लेना चाहिए, है ना. हाँ. सारे के सारे चिनार के पेड़ हैं. सारे के सारे यहाँ पे पूरे चाइना में चिनार के पेड़ हैं. ये है बुक स्टोर और बुक स्टोर में आपको लिटरेचर, फिलोसॉफी, लीगल साइंस एंड साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे. इवन आप जो है कॉफ़ी, एक्सप्रेसो कॉफ़ी, देन स्टीक एंड पास्ता, कुछ मील्स खा सकते हैं, फ्रूट्स, फ्रूटी डेजर्ट, हैंडमेड पिज्ज़ा. ओके सो कुछ लाइब्रेरी ऐसी है. और यहाँ पर कॉफ़ी, चाय जो पीनी है आप पी सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं. फ्लोर भी है ऊपर. हंगजाओ इज़ नोन फॉर वेटलैंड. इट्स रिच हिस्ट्री, कल्चर और छोटी छोटी गलियाँ जो आपको मेस्मराइज करेंगी. बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है वो छोटी गली. हम मतलब चलो अब मैं कंपेयर नहीं करती हूँ, लेकिन वो छोटी गली भी इतनी एलीट थी. मतलब छोटे छोटे घर थे वहाँ पे. इस तरीके की वैन घूमती ही रहती है पूरे चाइना में. पूरे चाइना में घूमते रहती है. कहाँ पे भी एक लीफ कुछ भी दिखा उठा लेंगे. लीफ मतलब लीफ का पत्ता भी उठा लेते हैं. यहाँ मैं बेस्ट पार्ट ये देख रही हूँ कि इनको कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. मोस्ट वेलकम है जो भी टूरिस्ट आना चाहते हैं तो. लेकिन सबसे ज़्यादा इनके जो इनबाउंड टूरिस्ट है ना, उसी से इनका बिजनेस चलता है. इकोनॉमी रिवॉल्व होती है यहाँ पे. स्पेंडिंग लोग बहुत करते हैं खाने पीने में. मतलब आप सोचेंगे ये लोग नहीं सोचते. ये वेस्ट लेक के पास है, सोचिए. मतलब ये लेक के पास ये एरिया है और एंड तक जहाँ तक हमें लेक दिखाई दे, मतलब लेक शुरू हो रहा है वहाँ तक ये सारे बिल्डिंग टिंच है. डबल क्रॉसिंग फ्रॉम वन साइड. ये जगह इतनी खूबसूरत लग रही है ना. इतना हैपनिंग है, इतने लोग हैं यहाँ पर. बड़ी सी डिस्प्ले स्क्रीन है, पूरे बिल्डिंग को क्रॉस कर रही है, कवर कर रही है देखो. और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग का एरिया जो क्रिस क्रॉस कर रहा है हर जगह से. जैसे वो कॉर्नर से यहाँ पे आ सकते हैं, वो कॉर्नर से वहाँ जा सकते हैं, वो कॉर्नर से वहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं. ओ गॉड. सिमिलरली हर कॉर्नर से. अभी मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ पर एक पिक्चर मिल जाए. और अगर पिक्चर मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर आप देखना. देखिए बच्चे के लिए जो है यहाँ सीट रखी हुई है सेफ्टी के लिए और उसे प्रॉपरली सेफ गार्ड किया गया है बाइक पे. ये देखिए इनकी बाइक है, ये ई बाइक है, मतलब इलेक्ट्रिक बाइक है. और उसमें उन्होंने कितनी सेफ्टी रखी अपने बच्चे की, विथ हेलमेट वेलमेट सब कुछ. आप देख रहे हो कैमराज हर जगह पर लगे हुए हैं. वहाँ पर लगा हुआ है, हर तंबू पर लगा हुआ है कैमरा.
और रात को, अभी रात होगी तब मुझे लगता है ये स्ट्रीट और जगमगाएगी, बहुत खूबसूरत दिखेगी। लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, ऑब्वियस है कोई भी मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे खूबसूरती है तो एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन यहाँ लोगों का मज़ा देखिए। हमें वहाँ जाना है, मतलब लाइफस्टाइल ऐसी कि मज़ा आ जाए ज़िंदगी जीने का, और लोगों की इनकम ऐसी कि उस लाइफस्टाइल को वो लोग एंजॉय कर सके पूरी तरीके से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लो इनकम स्किल लोग नहीं होंगे, हर एक की अपनी स्किल के हिसाब से इनकम है, लेकिन मैंने ये देखा कि लोग स्पेंड यहाँ पर काफ़ी करते हैं। इवन एस्ट्रे भी रखा हुआ है डस्टबिन पे, मतलब आप अपना धुआं का ऐश भी इधर उधर नहीं फेंकोगे, हर डस्टबिन स्पेसिफिक है, रिसाइकल्ड बिन, वेस्ट बिन एंड एस्ट्रे बिन। ये रिसाइकल्ड है, ये वेस्ट है और ये एस्ट्रे, जिसमें पानी भरा हुआ है ताकि वो ऐश discovered it. Okay. Because I'm very active. Yeah. Yeah, so, our camera. Yeah, so basically my channel name is Extreme Roads. Mm-hmm. It starts with X. But the thing is, we came here to know China. China is politically very strong. So, So only one party rules here. Yeah. And that is the reason maybe China has grown. But okay, the people in China are really good. They helped me. Just now, a 70-year-old woman, she helped me to come here and board a bus. Chinese lady? Yes, wow. Chinese lady. Can you get used to the food here? Food? India style and the Chinese style are very different. I know. Yeah. Actually, I find little difficulty in the food because I'm vegetarian. I'm vegan. Yeah. So, vegetarian food to find out. Actually, there are vegetarian food, but in a restaurant, it is very difficult to, you know, make them understand that what I want. Jali. Yes. Jali. It is my great honor to be here. You belong to this Hangzhou? Yes. I'm a volunteer. All right. I live here and I do export. Volunteer job. For what? Volunteer for tour of this city. Okay. And do some interview. Nice meeting you. Okay. Nice meeting you too. Well, 19th Asian Games हो रही हैं चाइना में, वो भी हंगजाओ में। हम उसी जगह पर हैं और ये जगह पे गेम्स के अलावा यहाँ की जो ब्यूटी है ना, वो काफ़ी मैस्मराइजिंग है। लेजेंडरी सिटी है ये चाइना की, और मैंने इसके पहले के व्लॉग में भी बोला है, लेकिन एक फेमस ट्रैवलर है मार्को पोलो इटली का, और उसने कहा था कि दुनिया जहान में मैं घूम चुका हूँ लेकिन हंगजाओ जैसा शहर मुझे कहीं पर नहीं दिखा, और ये बहुत रिच और लेजेंडरी प्लेस है, हमें एक बार तो आना ही चाहिए। जो मुझे दिख रहा है कि ये जगह इतना खूबसूरत है, वो देखिए वहाँ पे क्रूज है, आप क्रूज राइड भी कर सकते हैं, हम भी जाके देखेंगे कि क्या है। हाँ, आप हैफांग स्ट्रीट जाना मत भूलिएगा, इसके पहले के व्लॉग में मैंने बताया है, हंगजाओ के पहले सीरीज में। यहाँ पे इसे क्रूज बोलते हैं, आप क्रूज राइड लेना चाहते हैं तो इसके 51 लगेंगे, पूरा सर्कल लेगा ये वेस्ट लेक का, और अभी ब्राइट टाइम है क्योंकि सनसेट होने वाला है। वेल, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मुझे स्टेडियम में जाना है, और हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन सा गेम कहाँ पर हो रहा है, जिसकी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि हॉकी मैच बोलते हैं कि कैनाल पर है, गोंशाओ कैनाल, जो यहाँ से काफ़ी दूर है, और फिर भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल रही है। जब हमने होटल वाले से पूछा तो उसने बोला बास्केटबॉल का गेम है आज, ऑल दो हमें वो नहीं देखना था और हम चाहते थे इंडियन प्लेयर को देखें हम खेलते हुए। और मतलब यहाँ पे बैठने का एरिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप बैठें यहाँ और फिर आप इंजॉय कर सकते हैं ये ओपन एरिया से, और पूरा वेस्ट लेक को आप घूम सकते हैं जो पूरा हाय भाई। हमारे पास है अभी संदीप जी, और 19th एशियन गेम जो हंगजाओ में हो रही है 2023 की,
और यहाँ पर आए हमारे सामने हैं संदीप जी जो कि हरियाणा से हैं, राइट? यस। और आप कोचिंग किस में करते हैं? मैं बॉक्सिंग। अच्छा, बॉक्सिंग में। हाँ जी, हाँ जी। तो अपने यहाँ पे प्लेयर इस बार कितने हैं जी? 13 आए हुए हैं, 7 मैन और 6 वीमेन। ओके, तो ये मैच कब होंगे अपनी? अपने मैच 24 से स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा, आज है कोई? आज हमारे दो मैच हैं जिसमें एक मैच हो चुका है, वी हैव वॉन। क्या, तो किस स्टेडियम में? ये हैं यहाँ से जिम्नेजियम, हांगझो जिम्नेजियम करके है यहाँ से, वहाँ पे होगी। हाँ जी, सच फॉर्चुनेट कि आपसे मुलाकात हो गई। मुझे लगा जैसे आप इंडिया से हैं। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे पता चला था कि हॉकी मैच है आज, लेकिन वो गंजौ कैनाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में है शायद। हाँ जी, तो वो यहाँ से दूर है ना काफी? हॉकी मैच भी है आज। हाँ, कितनी दूर है जहाँ आप बोल रहे हो? ये वो मेट्रो का थर्ड स्टेशन है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से थर्ड स्टेशन, उसका नाम क्या है मेट्रो स्टेशन का पता है? वुलिंस स्क्वायर। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे इंडिया के लिए? हाँ जी, हम जिस उम्मीद से आए हैं कि हम अपने इंडिया की पोजीशन को इस एशियन गेम्स में बेस्ट करें, उसके लिए ही बस जी जान लगा दें खिलाड़ी, और हम सब उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। और आशा करता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के जो भी आदमी देखेंगे और वहाँ से प्रार्थनाएँ करेंगे तो जरूर हम उन चीज़ में सक्सेस होंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे संदीप जी। और कोच आप अकेले हैं या और भी नहीं, कोच हैं? एक्चुअली मैं इंडियन टीम के साथ कोच नहीं हूँ, आई एम कोच इन गवर्नमेंट, इन हरियाणा गवर्नमेंट। अच्छा। एंड मैं यहाँ पे उनको बस मोटिवेट करने और उनको प्रोत्साहित करने के लिए आए। ये हमारा मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ के वॉलंटियर हैं। यस, those are outlaws. It's West Lake, right? Yeah. Around the West Lake. Did you today? Yeah. Yeah. These are the pictures. ये लोग यहाँ के volunteer हैं और यहाँ सारे जो भी tourist आ रहे हैं बाहर से उनको भी पूछ रहे हैं कि Asian Games को attend करने के लिए आए हैं आप, या हंसा आपको कैसा लगा? और you can say hi to my subscriber. Hi. Hello. So they are our new subscribers and. They have channel. What channel you have? Oh, Hangzhou TV Station, the Asian Games channel. All right. कितना अच्छा लगता है जब हमारे भारतीय मिलते हैं तो यहाँ पे सारे अलग अलग प्रांत से हमारे इंडिया में, कोई है दिल्ली से, कोई है केरला, दिल्ली। ओके, कूल। तो ये सब लोग भी एशियन गेम्स पता चला तो यहाँ पे आ गए। वैसे इनका बिजनेस टूर है और हाँ, नो टिकट्स, बट देयर नो टिकट्स एज दे आर सेइंग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मैं भी टिकट्स ले रही थी और यहाँ की जो साइट है उससे हम देख रहे थे पर हमें मिल नहीं रही थी। और मेरे पास भी, इन्होंने कहा कि चाइनीज़ नंबर इनके पास नहीं है, लेकिन मेरे पास चाइनीज़ नंबर है पर फिर भी नहीं मिल रही थी। इवन होटल से हमने कोशिश की लेकिन वहाँ से भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। वेल, तो ये मतलब जहाँ आपको वेस्ट सीनिक ब्यूटी जहाँ पर आपको दिखाई देती है वहाँ से आपको पूरे वेस्ट लेक की ब्यूटी दिखाई देगी। और ये बहुत ही आइकॉनिक स्पॉट है जहाँ पर मैं हूँ। हंगझौ इज़ नोन फॉर वेस्ट लेक, एज आई सेड अर्लियर। लोग देखिए यहाँ पर आते हैं मॉडलिंग करने के लिए। देखिए फेवरेट हुआई हंगझौ सिटी, बहुत ही ओल्डेस्ट सिटी है, लेजेंडरी सिटी है और उसका जीता जागता स्वरूप यहाँ पे भी दिखाई देता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना सामने जिसमें कैफेटेरिया है वो 1649 का है।
ओमेगा बोलो, नाइके बोलो, ये MCM कौन सा ब्रांड है मुझे पता नहीं है, शायद चाइनीज ब्रांड हो, पता नहीं, एप्पल है, मैक है, क्या नहीं है यहाँ पर। ओ माय गुडनेस, ज़रा देखिए तो कितना बड़ा शोरूम है ये। और मैं जा रही हूँ आईफोन 15 के लिए, मैं प्लान था कि अगर यहाँ मिल जाए अच्छे रेट में तो ले लेंगे। भीड़ देख रहे हैं आप इस स्ट्रीट पर, मुझे ऐसे फील हुआ शंघाई से भी ज़्यादा भीड़ दिखी मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू ओके गाइस। तो आईफोन 15 अगर हमें लेना है तो उसका प्राइस अगर 128 GB है समझो तो 5999। ये है आईफोन 15 की क्यू लगी हुई यहाँ पे, देखो लोग अपने ऑर्डर पिकअप करने के लिए आए हुए हैं। और ये देखो भीड़, वाह, ये देखिए बॉस फिरारी। स्टेशन है लॉन्गजियांग क्यो, अभी हम जा रहे हैं बॉक्सिंग जिम के यहाँ पर जहाँ पर हमारे इंडियंस गेम खेल रहे हैं। लेट्स सी अगर वहाँ पे टिकट मिल सके तो। बहुत भीड़ है, जस्ट लाइक दिल्ली एंड मेट्रो। हाय, सो वी आर गोइंग टू वुलन स्क्वायर, और वुलन स्क्वायर यहाँ से सिर्फ तीसरा स्टेशन है। शहर इतना खूबसूरत दिख रहा है ये, और ये है वुलन स्क्वायर का इलाका। अंदर गूज बम्स हो रहे हैं कि अगर मुझे टिकट मिल गई तो कितना मज़ा आएगा। वैसे कुछ इंडियंस थे, उन्होंने कहा हमने कोशिश की थी लेकिन नहीं मिला, तो मैं सोच रही हूँ काश मुझे मिल जाए, कुछ तो हो जाए, मेरे साथ होता है कई बार। वेल गाइज, एक्साइटमेंट मुझे इतना है कि क्या बताऊँ। मैं अभी वुलन स्क्वायर के यहाँ पर हूँ और एग्जैक्टली हंगजाओ जिमनेजियम है जहाँ पर बॉक्सिंग का मैच हमारे इंडिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं, और अभी भी एक होने वाला है गेम। आई होप कि ना हुआ हो ताकि मैं देख सकूं, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा खुशी ये है कि मेरे सामने अपने इंडिया की प्लेयर है, उनका नाम अरुंधति चौधरी। आप कहाँ से हैं? आई एम फ्रॉम कोटा, राजस्थान। ओहो कोटा शहर IITians का। अरुंधति, आपका गेम हो गया? हाँ, यस्टरडे आई प्लेड बट आई लॉस्ट अगेंस्ट चाइना ओनली। ओके, दैट्स ओके, गेम है ना, गेम में तो चलते रहता है, बोलते हैं ना आप जीतते हैं शेर सवार मैदान जंग में। तो मतलब कितने प्लेयर्स अपने आए हैं? 13 है, 6 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। ओके, तो आपको मतलब कोच कौन है आपके? HPD हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर, लाइक ही इज फ्रॉम आयरलैंड, एंड फॉरनर कोच ही इज ऑल्सो फ्रॉम आयरलैंड, एंड चीफ कोच कुटप्पा ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। ओके, सो आप किस किन के साथ आए हो? टीम के साथ आई हूँ। और फैमिली मेंबर? फैमिली मेंबर मेरे फादर आए हैं, मेरे गेम के लिए आए थे वो। कौन सी गेम प्ले करते हो? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग ही ना, अलग अलग स्टेडियम है वहाँ पे, अलग अलग गेम हो रही है, तो यहाँ पर सिर्फ बॉक्सिंग के लिए ही है ना कि और भी कुछ? एक्चुअली हम लोग विलेज में रह रहे हैं, जितने प्लेयर्स हैं उनका विलेज होता है, गेम विलेज। अच्छा, और अगर फैमिली मेंबर्स आते हैं तो उनको अपना ओन बाहर रहना होता है। तब आपको चाइना कैसे लगा? चाइना जितना बुरा सुना था उससे काफी अच्छा है। या बुरा नहीं है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, इवन शायद इंडिया में नहीं करते इतना अच्छे से। सो काफी अच्छा। तो यहाँ पे आपको कैसा लगा, मतलब जो प्लेयर्स हैं सब, सबको फैसिलिटी सब प्रॉपर मिल रही है? हाँ जी, सारी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो डाइट को लेकर हो, बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो मुझे भी कोई कमी नहीं हो रही है यहाँ पे कि वेजिटेरियन के लिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो मतलब आप क्या चाइनीज़ फूड खाते हो?
या फिर इंडियन फूड आपके लिए कुक होता है? इंडियन फूड अवेलेबल है वहां पर. ओके दैट्स वंडरफुल यार, आई एम सो हैप्पी आई मेट यू. गले लग जाए. सो सो हैपनिंग टाइम की हमारा प्लेयर यहाँ पर है और मैं उनसे मिल पा रही हूँ. हे गाइस, थ्री चीयर्स फॉर इंडिया. वेलकमिंग वेलकमिंग वाला. अभी मैं ट्रेन में थी, बोलता है इंदू इंदू. मैंने कहा यहाँ पे इंदू बोलते हैं. हाँ इंदू, तो प्रणाम हम जब ट्रांसलेट करते तो इंदू होता है. मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके. इन्होंने मुझे इवन एशियन गेम का ही ये जो है वो भी दिया है साइन, और इट्स अ काइंड ऑफ अभी की तारीख में लोगो है ये. मैं ट्राई कर रही हूँ यार कि मुझे टिकट मिल जाए. बोलते हैं कि सारे सोल्ड हो चुके हैं. नहीं है गेम बॉक्सिंग? या इट्स इनसाइड. डुए यू से डुए? ओके ओके गाइस, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अंदर. सिक्योरिटी से मैं पूछने जा रही हूँ, अगर मुझे अलाउ करते हैं तो कर देते हैं, तो नथिंग बेटर देन दैट. कोशिश हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करने की करने वाले की हार नहीं होती. आई कैन स्टैंड प्लीज. आई ट्राइड, टेल हिम आई ट्राइड टू बुक टिकट फ्रॉम यस्टरडे. आई केम टू हंगझाउ फ्रॉम शंघाई. ये बस निकली है अलग अलग देशों के प्लेयर्स और उनके कोच के साथ. से चलो 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 बैठने का ले लो. तो भाई एक कल्चर मैंने चाइना में जरूर देखा है, लोग यहाँ बैठ करके आर्टिस्ट अपने पोर्ट्रेट्स बनवाते हैं. पोर्ट्रेट्स देखिए, ये सारे के भी शायद इन्होंने बनाए हैं. जैकी चैन है वहाँ पे, ब्रूस ली का बनाया है, और इवन बीटीएस आर्मी में का भी है बंदा. लियोनार्डो डी कैप्रियो इज मेकिंग इट वेरी ब्यूटीफुल एंड दिस गाय इज एंजॉयिंग हिज पोर्ट्रेट मेकिंग. चलिए हम अभी अपने होटल की तरफ आ गए हैं. रात का टाइम है, बैडमिंटन खेला जा रहा है. ये वही स्ट्रीट है जिसे हमने घूमा था कल रात को. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है ये. ओके, तो मैं एमटीआर का पुलाव खा रही हूँ गर्मा गर्म. इसको मैंने मतलब जो केटल है ना उसमें गर्म किया पानी और फिर इसको डुबो दिया, और अब मैं इसे मंच करने वाली हूँ.